यस बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून बेटा। स्टूडेंट, आपका एक्सरसाइज जो 4.3 चल रहा था उसमें हमने ऑलरेडी आपका पॉइंट नंबर K1, K2, K3 ये ऑलरेडी ये पॉइंट क्लियर कराए गए थे इन प्रीवियस क्लास। ओके नाउ यस सर, सर S2 क्लियर हो गया। S1 भी क्लियर कराया गया था। नेम ऑल द एडजेसेंट साइड इन द गिवन पॉलीगन, इसमें किस पॉलीगन के एडजेसेंट साइड की बात करना था। S2 में क्या था, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन विद 8 साइड्स इज 20। आपने देखा था 8 साइडेड पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, 20। S3 की बात करेंगे। S3 में क्या, वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय, ओके थोड़ा सा स्कैनिंग प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे, देख लेते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय ड्राइंग अ स्क्वायर एंड अ हेक्सागन इन एनी पॉलीगन द नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स। यस, इन्होंने कहा एक स्क्वायर और एक हेक्सागन ड्रॉ करके ये चेक कीजिए क्या नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ वर्टिसेस बोथ में सेम होते हैं। तो ठीक है, हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर लेगा, अभी हेक्सागन ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं तो हेक्सागन भी ड्रॉ करेंगे। सिक्स साइडेड एक हेक्सागन ड्रॉ करना हमें। ये हो गया हेक्सागन और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। सर स्क्वायर और हेक्सागन में साइड्स की बात करें तो इसमें 1, 2, 3, 4 साइडेड पॉलीगन स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी ये 4 साइडेड पॉलीगन है और ये 6 साइडेड है। तो क्या इसमें वर्टिसेस डिफरेंट है, ए बी सी डी। सर 4 वर्टिसेस 4 साइड्स, इसमें तो सेम है, ए बी सी डी ई एफ। सर इसमें भी 6 वर्टिसेस एंड 6 साइड्स, तो बोथ आर द सेम, ये वेरीफाई हो गया। आपने ड्रॉ करके कैसे कोई भी पॉलीगन ड्रॉ कर लीजिए, उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ साइड्स उसके सेम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। यस सर। अनुप्रिया, अश्मित यदुवंशी, सन्विका चतुर्वेदी, सौरभ कनौजिया, अमन वर्मा, बेटा जी बार बार ये चीज आप लोगों से क्यों बताना पड़ता है कि वीडियो ऑन करिए। यहाँ से आप लोग समझते हो ना, कैसे आप लोग दिखेंगे तभी थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ेगा, नहीं तो हम लोग आप लोग नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे काम करेंगे। yes, अभी भी अस्मित यदुवंशी, सौरभ कनौजिया और निकिता, इन सानविका के भी वीडियो ऑन ऑफ है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसको वेरीफाई कर लिया। किसी भी पॉलीगन के जितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, यानी जितने साइडेड पॉलीगन होगा उसके ना उतने ही नंबर ऑफ वर्टिसेस भी होते हैं। अब बात करते हैं S4 की। S4 में क्या दिया गया भाई, इन्होंने कहा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलीगन इज अ प्राइम नंबर। किसी एक पॉलीगन में जो नंबर ऑफ साइड्स हैं एक प्राइम नंबर है लेस देन 7, ड्रॉ द पॉलीगन एंड फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इट हैज। बेटा ऐसा एक पॉलीगन ड्रा करना है जिसमें प्राइम नंबर में जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो लेस देन 7 है, वो भी कैसा है, प्राइम नंबर है। तो क्या होगा,
यस बेटा, साइडेड पॉलीगन भी हो सकता है और फाइव साइडेड पॉलीगन भी हो सकता है, क्यों और क्यों? यस सर, बिकॉज बोथ आर द प्राइम नंबर, क्योंकि सर ये प्राइम सर ये फाइव में दोनों बोथ आर प्राइम, थ्री और फाइव दोनों प्राइम है, और व्हिच इज लेस देन टू सेवन, सेवन सेवन से लेस, सेवन से लेस भी है, तो सर थ्री साइडेड पॉलीगन ड्रा कर सकते हैं ट्राइंगल को भी और पेंटागन, ये ट्राइंगल हो गया सर, पेंटागन भी ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये क्या सर, दिस वन इज पेंटागन एंड दिस वन इज ट्राइंगल, अब इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स, इट हैज जीरो डायगोनल, बेटा जी ट्राइंगल हैज जीरो डायगोनल, ट्रायंगल है जीरो डायगोनल, इसमें कोई डायगोनल नहीं होता, और इसमें यस सर कोई अपोजिट वर्टिसेस को मीट करने वाला सेगमेंट है ही नहीं, तो जीरो डायगोनल, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल अगर आप जानना चाह रहे हो तो इसमें ऐसे ड्रॉ कर लो, वन टू वन वन टू थ्री फोर फोर फाइव फाइव हो गया ना, वन फाइव, यस सर, वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें काउंट करोगे वन टू थ्री सर, ये फोर फाइव फाइव फाइव, कितने डायगोनल्स है इसमें, फाइव, अगर इसको फाइव नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, इसमें एक फार्मूला होता था टू इनटू यस टू इनटू एन एन ब्रैकेट में एन माइनस एन माइनस थ्री अपॉन टू एन माइनस थ्री अपॉन टू, यस यस सर, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू क्या होता है n into n minus 3 divided by 2, अगर ऐसे में अगर 5 साइडेड पॉलीगन हो तो इसके 5 into यहां n को रिप्लेस कीजिए बाय 5 5 minus 3 divided by 2, ओके डिवाइडेड टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 यानी कि 10 2 5 जे 10 यानी 5 5 कितने साइड्स, कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, 10 5 सर 5, बात समझ में आ गई, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने के लिए किसी भी एन साइडेड पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आइडेंटिफाई करना है डिफाइन करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है n into n minus 3 by 2, ओके क्या होता है n into n minus 3 by 2 by 2, ओके यस निहारिका एंड अस्मित, सानविका, सौरभ कनौजिया, ओके तो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसमें क्या करना था, ये तो करना था आपको एक ऐसा पर्टिकुलर पॉलीगन ड्रॉ करना था जिसमें लेस देन सेवन साइड्स हो, और वो भी एक ऐसा कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, तो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो लेस देन सेवन एक प्राइम नंबर फाइव होगा और दूसरा क्या होगा थ्री, इन दोनों में नंबर ऑफ डायगोनल की बात करते हैं तो इसमें जीरो हो गए, उसमें फाइव, यहाँ पे कितने डायगोनल्स, फाइव, यहाँ जीरो, चलो फाइव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एस फाइव, पॉइंट नंबर एस फाइव की बात करेंगे, डिफरेंट पॉलीगन्स
इन द गिवन फिगर। इसमें बेटा डिफरेंट पॉलीगन्स के नेम बताना, यानी किस टाइप के पॉलीगन, डिफरेंट पॉलीगन्स इसमें क्या क्या है उनको आइडेंटिफाई करना है। द ट्रायंगल, यस ट्रायंगल, द ट्रायंगल है एंड पेंटागन, द पेंटागन है, क्वाड्रिलेटर है, पेंटागन हो गया और ट्रायंगल हो गया। जिसमें इन्होंने कहा नेम द डिफरेंट पॉलीगन्स इन द गिवन फिगर, तो ठीक है आप क्या करेंगे भाई, इसमें देखिए आइडेंटिफाई करना डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगन्स को। तो फर्स्ट वन इज ट्रायंगल ए सी डी, ये ट्रायंगल, वैसे बहुत सारे ट्रायंगल है, ए बी सी भी ट्रायंगल ही है, ए ई डी भी ट्रायंगल है, लेकिन हमें ट्रायंगल से ही नहीं मतलब, तो ट्रायंगल तो है ही है सर, उसमें कोई नो डाउट, मतलब किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल तो है। फर्स्ट वन इज ट्रायंगल, सेकेंड भाई क्वाड्रिलेटरल भी तो है, फोर क्वाड्रिलेटर, द क्वाड्रिलेटर है, ये फोर साइड पॉलीगन है, क्या है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल भी है सर, है सर, है पेंटागन भी है, ये सर पेंटागन भी है, कौन सा काम, पेंटागन, पेंटागन ये फाइव साइडेड पॉलीगन इसमें भी लाई कर रहा है, इसलिए पेंटागन भी राइट करेंगे इसमें। और कुछ है और एनी डिफरेंट, नो बस इतना ही है इसमें, ये थ्री डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगन्स इसमें लाई कर रहे थे, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड पेंटागन। ओके पेंटागन, पेंटागन, आई होप यू फाइंड क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, यस यस क्लियर क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6 की, जिसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहा है आई एम अ पॉलीगन विद प्राइम नंबर ऑफ साइड्स, क्या विद प्राइम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब जो भी मैं पॉलीगन हूँ मेरे जितने भी साइड्स हैं वो एक प्राइम नंबर है, मतलब जितने भी साइड्स हैं मेरे वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। आई एम द ओनली पॉलीगन टू हैव द सेम नंबर ऑफ डायगोनल्स एंड साइड्स, हु एम आई, अभी आपने देखा था सर पेंटागन, पेंटागन सर, पेंटागन बेटा, पेंटागन, पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स 5 होते हैं और उसके डायगोनल्स भी कितने होते हैं, 5 ही होते हैं, और 5 क्या एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे सर, हु एम आई, आई एम पेंटागन, ये इसके लिए बता दो फाइव साइडेड, ये भूल गए थे कि मैं कौन हूँ, इनको अपनी प्रॉपर्टी पता थी कि मैं एक प्राइम नंबर साइड से हूँ, जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उतने ही नंबर ऑफ डायगोनल्स भी हैं, बता दो मुझे मैं कौन हूँ, ये मेले में खो गए थे तो बता दो बेटा कौन है, यस सर बता दिए, पेंटागन सर बता दिए, पेंटागन है, पहचान करा दिया, चलो अब ये अब नहीं खोएगा, अब इसको लोग पहचान जाएंगे पेंटागन है ना। पॉइंट नंबर 7 की बात कर लो सर, इसमें पॉलीगन विद नो डायगोनल्स, हु एम आई, ट्रायंगल बेटा जी, ट्रायंगल जान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया इसको भी हमने, चलो क्या होता है सर, ट्रायंगल, ट्रायंगल, यस क्लियर, ट्रायंगल, फॉर दिस यू कैन से एंगल, ट्रायंगल एंगल, इसके लिए एंगल्स, ट्रायंगल का बात आ गया, एंगल, योर नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, क्या बेटा, एंगल, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, एंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, एंगल क्या होता है, व्हेन टू पेज कोऑर्डिनेट फ्रॉम अ पॉइंट देन द स्पेस बिटवीन देम फॉर्म एन एंगल, इट्स कॉल्ड, और व्हेन टू रेज और टू साइड्स ओरिजिनेट, ऐसा भी कहते, देखो व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ओ है और इसी से निकलने वाले दो रेज हैं ए ओ ए और ओ बी, ये दोनों ही एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, तो इनके बीच का जो स्पेस होता है वो क्या फॉर्म करता है, एंगल बना लेता है, इनके एंगल स्पेस होता है एंगल, या दूसरी तरह से कहते हैं सर, द पॉइंट वेयर two sides
of a polygon or two sides meet, then they form their angle. Means जिस पॉइंट पे दो साइड आके मिल जाते हैं, मीट करते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, उस पॉइंट पे वो क्या बनाते हैं, उनका जो स्पेस होता है वो एंगल बना लेता है. ठीक है, बात समझ में आ रही है? उस पॉइंट पे जो स्पेस होता है वो एंगल बना लेता है. एंगल, यस सर. और ट्राइंगल, थ्री साइडेड पॉलीगन ट्राइंगल आप जानते हो, इसकी प्रॉपर्टीज में सर थ्री साइड होते हैं, थ्री वर्टिसेस होते हैं, और क्या, बस और बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बाद में बताएंगे. हाँ, क्वाड्रिलेटरल फोर साइड होता है सर, इसमें फोर वर्टिसेस, फोर आर्म्स मींस फोर साइड. चलो, माया मेक्स डिफरेंट एंगल यूजिंग मैचस्टिक इन हर नोटबुक्स. देखिए, अब टाइप्स ऑफ एंगल की बात कर ले. एंगल तो मैंने बता दिया क्या होता है. सर टाइप ऑफ एंगल भी डिफाइन कीजिए, एंगल्स के टाइप्स. टाइप्स ऑफ एंगल कौन सा? टाइप ऑफ एंगल में होता क्या है? फर्स्ट वन इज एक्यूट. ये क्या होता है? एक्यूट. द एंगल व्हिच मेजर्स लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री. यानी सर जो बिटवीन 0 और 90 मेजर करता है, उस एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं. सर इसके लिए क्या, कैसे फॉर्म होते हैं एंगल? ये होता है एक्यूट. सर इसके बीच का जो एंगल है वो लेस देन 90 है और मोर देन 0 डिग्री है, तो एक्यूट हो गया. और भी एग्जांपल्स? बिल्कुल सर, और भी एग्जांपल दिखा दे रहे हैं. ये भी एक्यूट. सर और भी तरीका है? बिल्कुल है. ये भी एक्यूट. बात समझ में आ रही है? जिसमें भी बिटवीन 0 टू 90 यानी लेस देन 90 डिग्री मेजर्स करता है जो एंगल, वो एक्यूट होता है. क्या होता है? एक्यूट. नेक्स्ट वन इज राइट. राइट एंगल क्या होता है बेटा? व्हिच मेजर्स एग्जैक्ट टू 90 डिग्री. व्हिच मेजर्स टू 90 डिग्री? इक्वल टू 90 डिग्री आर कॉल्ड राइट एंगल्स बेटा. राइट एंगल जो एक दूसरे को 90 के एंगल पे कट करते हैं, जो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं, उसे हम राइट एंगल बोलते हैं. क्या? परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे, राइट एंगल. यानी एक दूसरे के साथ 90 का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, वही राइट एंगल होता है. यस. चलिए, बात करते हैं थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल की. ये सेकंड वन था. थर्ड ऑब्ट्यूस होता है व्हिच मेजर्स मोर देन 90 मोर देन 90 लेस देन 180. ये 0 सॉरी 90 और 180 के बीच में मेजर करता है. यानी मोर देन 90 और लेस देन 180 कैसे होता है? ये ऑब्ट्यूस एंगल के एग्जांपल्स होते हैं. यहां पे जो एंगल फॉर्म हुआ वो मोर देन 90 और लेस देन 180 है. सर और ऑब्ट्यूस एंगल के एग्जांपल्स? बिल्कुल बेटा जी, ये हो गया. और भी एग्जांपल्स? हाँ, हो सकते हैं. कैसे? ये भी हो गया. ये सारे ही एंगल्स ऑब्ट्यूस एंगल हैं. क्या हैं? ऑब्ट्यूस. बात समझ आ रही है? यस सर. रिफ्लेक्स एंगल. बात आती है नेक्स्ट, तो स्ट्रेट एंगल की बात कर ले हम. स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल. Measures 180 degree. The angle which 180 degree. Exact 180 degree. यानी 180 का एंगल जो फॉर्म करता है, 180 degree का एंगल जो फॉर्म करता है, उसे ही हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. एक लाइन पे 180 का ही एंगल फॉर्म होता है उसके किसी एक पॉइंट पे. चलिए, रिफ्लेक्स एंगल. Now next one is रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल. मैंने अभी तक फोर एंगल्स के डिस्क्राइब मोर देन 180 एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस एंड स्ट्रेट. नाउ फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्स. क्या बेटा जी? रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स व्हिच मेजर्स बिटवीन 180 टू 360
यानी जो 180 से मोर और 360 से लेस एंगल्स को मेजर करता है उसे हम रिफ्लेक्स बोलते हैं। सर इसके फिगर ये होते हैं, ये रिफ्लेक्स एंगल सर। और बताता हूं ना, ये सर रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। जो एंगल मोर देन 180 होता है, लेस देन 360 होता है, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। नाउ कंप्लीट, सिक्स्थ एंगल इज कंप्लीट। बेटा कंप्लीट एंगल क्या होता है सर? व्हिच मेजर्स एग्जैक्ट टू 360। जो 360 के लिए एंगल होता है उसे ये सर्कल में, एक पॉइंट का जो एंगल होता है 360 का होता है। अगर कोई पूछता है एक पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होता है कितने का होता है, 360 का। अब हम बात करेंगे प्लस मैंने एंगल को डिफाइन किया टाइप्स ऑफ, और एंगल में कुछ पार्ट्स ऑफ एंगल की बात कर लो तो ये भी चलो बता दे रहा हूँ पार्ट्स ऑफ एंगल क्या होता है। लेट्स से ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो इसमें जो ओ ए और ओ बी है इसे बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल, आर्म्स आर्म्स ऑफ द एंगल। बेटा आर्म्स ऑफ द एंगल क्या होता है? जो साइड्स एंगल्स को फॉर्म कर रहे होते हैं उन्हीं को आर्म्स ऑफ द एंगल बोलते हैं, ओ ए एंड ओ बी। रख ली सर। और इस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको वर्टेक्स ऑफ द एंगल बोलते हैं। क्या वर्टेक्स ऑफ द एंगल? ये जो साइड्स हैं ये आर्म्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी जिस पॉइंट के थ्रू एंगल फॉर्म हो रहा है उससे हम वर्टेक्स ऑफ द एंगल बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्म्स वेयर द एंगल इज फॉर्मड इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ओ इसमें वर्टेक्स हो गया। बात समझ में आ गई? आर्म्स और वर्टेक्स क्लियर? यस सर। Now complete the following table. One has been done for you. बेटा इस टेबल को कंप्लीट करना, एक आपके लिए इन्होंने कर दिया है, बहुत ही सोचते हैं आपके बारे में, है ना? Yes, sir. बात करते हैं जिसमें एंगल, देखिए इसमें पॉइंट दिया गया फर्स्ट ए बी सी, तो इन्होंने कहा आर्म्स ऑफ द एंगल। इसमें आर्म्स क्या क्या है? ए बी एंड एस बी सी। वर्टेक्स ऑफ द एंगल बी, पॉइंट बी वर्टेक्स हो गया। नेम ऑफ द एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। अब चलिए पॉइंट नंबर सेकेंड की बात हम करेंगे। इसमें आर्म्स की बात किया जाए तो इसमें कौन कौन से आर्म्स हैं सर? यहाँ पे ये डी है, तो सर डी ई ये वन ऑफ द आर्म्स हो गया, ई एफ ये इसके आर्म्स। सर वर्टेक्स जिस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ऑफ द आर्म्स उसे वर्टेक्स बोलते हैं। सर इसमें वर्टेक्स होगा ई। यस सर, सर ई। एंगल का नेम करेंगे तो एंगल डी ई एफ, और एंगल डी ई एफ, या इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं एफ ई डी। क्या राइट कर सकते हैं? एफ ई डी, एफ ई डी, एफ ई डी भी राइट, एफ ई डी। यस सर, बट सर वर्टेक्स हमेशा बीच में ही होना चाहिए। यस बेटा, यस सर वर्टेक्स हमेशा बीच में ही होना चाहिए। तो ऐसे ही इसके रिमेनिंग पॉइंट्स आप लोग कंप्लीट करेंगे, ओके? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ट्राइंगल, इन्होंने कहा सर अलॉन्ग विथ एंगल्स मैं आल्सो ड्रॉ सम ट्राइंगल इन हर नोटबुक, वन ऑफ द पेजेस फ्रॉम हर
नोटबुक इज शोन इन फिगर। सर ये ट्रायंगल क्या होता है? थ्री साइडेड पॉलीगन होता है, यानी एक ऐसा क्लोज फिगर व्हिच इज मेड अप ऑफ थ्री विद द थ्री साइड्स, यानी जो थ्री साइड से मेड अप होता है, एक क्लोज फिगर होता है पॉलीगन, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल। अब इन्होंने कुछ ट्रायंगल के कुछ चीजें डिफाइन की हैं, उसको भी देख लेते हैं। जो ट्रायंगल होता है एग्जैक्टली उससे रिलेटेड क्या पॉइंट होते हैं वो भी हम लोग क्लियर करेंगे, है ना? यस सर। सर जो ट्रायंगल होता है वो थ्री साइडेड होता है, ये तो कंफर्म है। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? थ्री। एंगल्स कितने होते हैं? थ्री। ये दोनों चीजें तो आपने क्लियर किया था। कुछ और भी चीजें होते हैं, इन्होंने कहा सर वन टू थ्री, इसमें थ्री एंगल्स होते हैं, सही है। साइड्स की बात कर लो सर, वन थ्री टू वन थ्री टू। सर वर्टेक्स की बात कर लें तो वन टू थ्री वर्टेक्स, इट मींस इट हैज थ्री साइड्स, थ्री वर्टेक्स, थ्री वर्टिसेस। वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस, है ना? थ्री वर्टिसेस। यस सर। थ्री एंगल्स, अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड, अ ट्रायंगल थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस। बात क्लियर? इसके थ्री साइड होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं, थ्री वर्टिसेस होते हैं। सर क्वाड्रिलेटरल, नेक्स्ट वन इज क्वाड्रिलेटरल। सर इसके बारे में भी तो हम लोग जानते हैं पहले से ही, इट इज अ फोर साइडेड पॉलीगन। ये क्या होता है? एक फोर साइडेड पॉलीगन होता है, नंबर ऑफ साइड्स में फोर होते हैं, वर्टिसेस फोर होते हैं और एंगल्स भी फोर होते हैं, बट एक चीज एडिशनल होती है इसमें, डायगोनल। डायगोनल इसमें टू डायगोनल्स भी होते हैं। ये बेटा वर्टिसेस की बात इन्होंने किया, ए बी सी डी, ए फोर वर्टिसेस। सर वर्टिसेस के अलावा क्या है इसमें? बेटा साइड्स की बात कर लो तो ए बी वन ऑफ द साइड्स हो गया। सर ये बी सी सेकेंड साइड्स, सी डी थर्ड साइड और ये आपका फोर्थ साइड। इसमें फोर साइड्स होते हैं, वर्टिसेस फोर, एंगल भी फोर, बट टू डायगोनल, इसमें डायगोनल होता है। ये चीज हमने ध्यान नहीं दिया, मतलब बताया नहीं आपको, ध्यान तो दिया लेकिन आपको नहीं बताया, इसमें टू डायगोनल्स होते हैं। ये चीजें क्लियर, नंबर ऑफ टू डायगोनल्स भी होते हैं। यस सर, टू डायगोनल्स। यस सर। एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या होता है ये भी आपको मैं क्लियर कराऊंगा। देखिए इसमें टाइप्स ऑफ पॉलीगन, सॉरी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आप लोग बहुत सी सारी चीजें सीखे भी हैं और जानते भी हैं, और जिसके बारे में नहीं जानते इस क्लास में क्लियर किया जाएगा। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये सारे जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं वन बाय वन करके मैं क्लियर करूंगा। काइट, क्या क्या सर? की बात करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 की बात कर लें तो इसमें दिया गया नेम द एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। एंगल्स का नेम करना है तो बेटा जी इसमें कई सारे एंगल्स हैं, चलो वन बाई वन करके बता दो कैसे नेम करोगे। फर्स्ट वन इज एंगल ए बी सी, सर ये एंगल, ठीक है? यस सर। सर ये एंगल, एंगल और एक सारी में एंगल सी बी डी, ये भी है सर, और कोई एंगल है? और ए बी डी, ए बी डी। यस सर, ए बी डी।
बस बेटा ये थ्री टाइप्स के एंगल्स हैं इसमें, और एंगल नहीं है, ठीक है? एंगल ए बी सी, एंगल सी बी डी, एंगल ए बी डी, ये थ्री डिफरेंट एंगल्स इसमें लाई कर रहे थे. नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर, इसको तो कर लोगे, बहुत इजी है. सारे एंगल्स के नेम करना, पी एस आर, एस आर क्यू, आर क्यू पी, या पी क्यू आर, इस तरह भी कर सकते हो, पी क्यू आर, क्यू आर एस, आर एस पी एंड एस पी क्यू, इस तरह से एंगल्स का नेम करने हैं, कर लेना आप लोग. के थ्री की बात करते हैं, देर आर टू डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, ईच डायगोनल डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल इनटू टू. कहाँ चला गया? देर आर टू डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, ईच डायगोनल डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल इनटू टू यूनिक ट्रायंगल्स. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट बाय ड्राइंग द क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स डायगोनल्स. चलो, क्या कह रहा है? कह रहा है क्वाड्रिलेटरल जो होता है, उस क्वाड्रिलेटरल में उसके जो टू डायगोनल्स होते हैं, ईच डायगोनल डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल इनटू टू यूनिक ट्रायंगल्स. यानी जो इसके ईच डायगोनल होते हैं उसको टू यूनिक ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं क्वाड्रिलेटरल को. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट बाय ड्राइंग द क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स डायगोनल्स. नेक्स्ट हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं. सर ट्रायंगल बनता है, सर दो ट्रायंगल, फोर ट्रायंगल, ये क्वाड्रिलेटरल, फोर ट्रायंगल बनता है. इसके डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो सर डायगोनल यहां से ड्रॉ करने की बात करेंगे तो कैसे करेंगे? चलिए यहां से डायगोनल भी ड्रॉ कर लेते हैं. ये देखो, इसका एक ही डायगोनल हमने ड्रॉ किया तो टू यूनिक ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? और भी दूसरा, सेकंड वन ट्राई करते हैं. हो गया. दूसरा भी डायगोनल इसमें ड्रॉ करेंगे तो ये भी इसको टू यानी ये ट्रायंगल में डिवाइड कर देता, सॉरी. ठीक है, तो आपने इसको देख लिया सर. ये अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स को ड्रॉ करते हैं तो जो उसके डायगोनल्स होते हैं उसको टू यूनिक ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है? यस सर. सर ये क्यों सर दिखाना सर ड्रॉ करके? अब आप लोग इसको जो रिमेनिंग पॉइंट्स इसके हैं वो ट्राई कीजिएगा, ठीक है? नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट्स रहेगा वो क्लियर किया जाएगा बेटा. आज के लिए क्लास यहीं पे ओवर किया जाएगा, बिकॉज टाइम ओवर हो रहा है. सो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट्स होंगे, अभी तक के जितने भी पॉइंट मैंने क्लियर कराए हैं उसको आप लोग रिवाइज करना, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना, और जो नेक्स्ट आपके फर्दर पॉइंट्स हैं उनको भी ट्राई कीजिएगा. नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे. ओके, आज के लिए क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं. गुड बाय एवरीवन. Sir, goodbye. Goodbye, sir. Goodbye, sir.